जैसे कि देख सकते हैं ग्रैनी बिल्कुल हमारे पीछे, अभी हम इसको बेवकूफ बनाने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर आ जाना है जैसे कि देख सकते हैं, और ध्यान रहे कि ये वाला डोर हमेशा बंद रहे। उसके बाद आपको नीचे झुक जाना है, सीधा आप यहाँ से आप नीचे जा सकते हो। अरे बाबा! और देख सकते हैं ग्रैनी को हमने यहाँ पे बेवकूफ बना दिया है और ग्रैनी बन भी गई। तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो वापस आ गए न्यू वीडियो के साथ, और ये वाली वीडियो सबसे खास होने वाली क्योंकि आज हम फिर से वही वाली बातें करने वाले, यानी कि सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको ऊपर चले जाना है, इस डोर को ओपन करना है जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद आप कुछ इस वाले रूम में आ जाओगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर ग्रैनी और ग्रैंडपा कभी भी आ सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ग्रैंडपा जी आ गए। उसके बाद आपको ये वाला डोर बंद करना है, उसके बाद इसके पीछे खड़े हो जाना है और इस डोर को बंद कर देना है। और जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पे छुप गए, और यहाँ पे हमारे जो ग्रैंडपा है वो हमें कुछ भी नहीं कर सकते है। आप यहाँ से बड़े आराम से बच सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मैंने वापस से दरवाजा बंद करके ओपन करा था और वहाँ पे ग्रैंडपा खड़े थे, बट मुझे वो मार नहीं सके। वो देख सकते हैं अभी भी वही है, शायद वो नीचे चले जाएंगे। तो जैसे ही वो नीचे चले जाएंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी ग्रैंडपा यहीं पर खड़े हैं, और भाई जैसे हम निकलने जाएंगे ना ये हमें मार देंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, शायद ग्रैंडपा चले गए, इसे बंद कर देते हैं। तो यही थी हमारी फर्स्ट ट्रिक, उसके बाद अभी चलते हैं सेकंड ट्रिक की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैंडपा चले गए, तो चलिए सेकंड ट्रिक को जान लेते हैं। उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैंडपा की यहाँ पे कार खड़ी है। तो इस कार से ही हमारी ट्रिक होने वाली है। तो सबसे पहले आपको ग्रैनी एंड ग्रैंडपा को बुला लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारी ग्रैनी एंड ग्रैंडपा दोनों आ चुके हैं, और ग्रैंडपा तो भाई सीधा हेडशॉट लगाने की ट्राई कर रहे हैं। तो आपको इनसे बचने के लिए इस कार के पास चले जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मतलब नीचे झुक जाना है, और यहाँ पे आपको बैठ जाना है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ग्रैनी एंड ग्रैंडपा यहाँ से चले जाएंगे। वो हमारे कितने पास थे बट हमें मारने के लिए नहीं आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैनी अभी भी यही खड़ी है, बट वो हमें मार नहीं पा रही है क्योंकि हम उसे दिखाई नहीं दे रहे। अब वो ग्रैनी अपने घर जा रही है, ग्रैनी अब वहाँ पे जा रही है अपने घर वापस। जैसे कि मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ तो आपको दिख रही होंगी ग्रैनी, देखो वहाँ पे घर में जा रही है। तो चलिए आप पलते हैं तीसरी ट्रिक की ओर। तो आपको थर्ड ट्रिक जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा किचन। किचन में जाने के बाद आप मतलब सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, बट मैं हमेशा किचन से ही जाता हूँ। उसके बाद इसको आपको प्रेस करना है, और यहाँ पे खड़े होकर आपको सीधा ऊपर चले जाना है। जैसे कि देख सकते हैं हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उतर जाना है, मतलब नीचे बाहर निकल जाना है। ओके, तो बाहर निकलने के बाद ये वाली ट्रिक हमारी होने वाली है बाथरूम में। तो यहाँ से आपको बाहर निकल जाना है जैसे कि देख सकते। उसके बाद हम ग्रैनी एंड ग्रैंडपा को दोनों को बुला लेते हैं। अब पता नहीं कौन आने वाला है, तो यहाँ पे हम पियानो बजा लेते हैं। मैंने सुना है कि पियानो बजने से भाई ग्रैनी एंड ग्रैंडपा दोनों से कोई भी आ सकता है। तो जैसे कि देख सकते हो वो भाई ग्रैनी आ चुकी है। तो सबसे पहले हमको इसको बचने के लिए भाई यहाँ से हमारे इधर चले जाना है, यानी कि ये क्या बाथरूम है। ओके, उसके बाद इसका डोर बंद करना है, और इस डोर के पीछे आपको छुप जाना है। जैसे कि देख सकते हैं ग्रैनी जी यहाँ पे आ चुकी है। सो आई कि नहीं भाई? ओके, एक बार देख लेता हूँ। अबे ये तो ये अबे भाई मार दिया, ये क्या हो गया। ओके चलो, वापस से मैंने आपको दिखाने के लिए मैं वापस से वही जगह पे छुप गया हूँ, और हमारी देख सकते हैं ग्रैनी भी यही खड़ी है, बट वो हमें मार नहीं सकती ना ही हमें देख सकती है। और जैसे कि देखते हो भाई ग्रैनी का डंडा यहाँ पे खड़ा, ओके मतलब हाथ में खड़ा। ओके, तो अभी शायद ग्रैनी कहाँ गई, यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रही है, तो शायद चली गई। इसको हमको बंद कर देते हैं डोर को। ओके, अबे ग्रैनी तो यहीं पे है, तो इसके पास जाके देखते हैं। भाई क्या है ना कि हमें थोड़ी सी चुल करने में मजा आता। ओ ग्रैनी, अबे ग्रैनी तो भाग हमारे पीछे आ गई, डोर ओपन हो जा। अबे ये क्या हो गया भाई। तो अब आ रही है लास्ट ट्रिक जानने की। तो लास्ट ट्रिक वही होने वाली है जो आपने फ्रंट में देखी थी। जैसे कि देख सकते हैं ग्रैनी बिल्कुल हमारे पीछे है, इस डोर को आपको बंद कर देना है ताकि हमें वो मार ना सके। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रैनी और देखना है, जैसे हमारे पास चली है उसके बाद आपको नीचे बटन प्रेस करके भाई यहाँ से कूद जाना है। तो चलो मैं वापस से आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ग्रैनी जी कहाँ जा रही है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दोबारा से बेवकूफ बनाना चाहता हूँ। उसके बाद जैसे हमारी ग्रैनी हमारे पीछे आ जाए उसके बाद आपको ऊपर चले जाना है जैसे कि देख सकते सीढ़ियों से। उसके बाद आपको हमेशा याद रखना है कि ये वाला जो डोर रहता है उसे बंद करना है। अगर आपने नहीं किया तो चलिए मैं को दिखा दो। जैसे कि ये ओपन है, अब ये देखो इसने पकड़ लिया, मैं इसे बंद करने चला गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये डोर हमेशा बंद रहे। उसके बाद आपको ऊपर चले जाना है, ऊपर जैसे ही चले जाए उसके बाद ग्रैनी का थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही हमारी ग्रैनी क्लोज आए उसके बाद आपको नीचे बैठ जाना, और यहाँ से सीधा भाई नीचे कूद जाना ऐसे कुछ। और जो हमारी ग्रैनी है वो यहाँ पे बेवकूफ बन चुके हैं। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।